अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज वीडियो छत से स्टार्ट हो रही है, लेट भी हो गया है क्योंकि मोबाइल मैंने लगा दिया था चार्ज में और नीचे सारा काम हो गया मेरा, मतलब अपने जू का, मिनी जू का सारा काम कर लिया है। मैं आ गया हूँ छत पे, मोबाइल बिल्कुल ही चार्ज नहीं था, इस वजह से मैंने मोबाइल को लगा दिया था चार्ज में। अभी आया हूँ छत पे तो सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ। ये आप देख सकते हैं बोगनविलिया कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है, और यहाँ पैंसी पालक का भी अपडेट देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है, जर्मिनेशन एकदम एक नंबर है। यहाँ ये देख सकते हैं हिबिस्कस में पत्ती कम है, बट कलियाँ आप देख सकते हैं हर डाल पे तीन तीन चार चार कलियाँ लगी हुई हैं। यहाँ ये देखिए इसमें कीड़ा लग रहा है, आप देख सकते होगे इसमें कीड़ा लग रहा है। अब इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे पेड़ को फैला देगा। अभी हिबिस्कस का यही अपडेट है, हर डाल पे कली लगी पड़ी है और फ्लावरिंग हो ही रहा है। आप देख सकते हैं फ्लावरिंग कितना ज़बरदस्त हो रहा है, यहाँ है वहाँ है, कली भी उसी तरीके से लगा हुआ है माशाल्लाह। यहाँ आप देख सकते हैं रेड वाला, ये मेरे छत का सबसे पुराना हिबिस्कस का पेड़ है, मतलब मेरे गार्डन का सबसे पुराना हिबिस्कस का पेड़ है। समझिए इस पेड़ को कम से कम भी तो 5 साल हो गया होगा, कम से कम भी। तो आप ये देख सकते हैं ये 1 साल पुराना है, इस साल इसका 1 साल कंप्लीट हुआ, ठंडे में लाया था। यहाँ गुलाब भी आप देख सकते हैं कल रात मैंने वीडियो एंड करने के बाद क्या किया कि जितने गमले आए हुए थे सबको मैंने कर दिया था खाली, ये सारी मिट्टी निकाल ली है, जो जो खाली गमला था सबको निकाल लिया है। लगभग 4, 6, 8 गमला मेरे पास खाली मैंने किया है रात को, तो ये 8 गमला प्लस इस बकेट में लगा हुआ था डस्टबिन में, फिर एक बोतल का कट्टा हुआ था उसमें लगा हुआ था, तो सबको मैंने कर दिया है खाली। खाली करके उसका मिट्टी यहाँ पर निकाल लिया है। इसका अपडेट मैं आप लोगों को नहीं दे पाया क्योंकि रात में मैंने किया था इस वजह से। तो फ़िलहाल इसमें आज ऑफिस से रिटर्निंग में वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट भी लेके आना है, ताकि इस मिट्टी को फिर से रिपोर्टिंग के लिए तैयार कर सकूं। तो फ़िलहाल के लिए अभी तक तो यही है, आप देख सकते हो सारे प्लांट्स में, ठंड वाले भी प्लांट जितने हैं सब में फ्लावरिंग अभी लगी हुई है। यह रेड रात की रानी जो उसने कह के दिया था, ये देख सकते हैं आप, एक प्लांट उसने जो दिया था वो वाला सूख गया है, बाकी इसको रिपोर्टिंग कर दिया है। इंजीड लगा हुआ है उसको रिपोर्टिंग आज कर देंगे, ये माल्टा को भी आज रिपोर्टिंग कर ही देंगे, बाकी उधर भी 2 प्लांट और हैं, बेला गेंदा है, मैरीगोल्ड, और एक और है स्थल कमल जिसको कहते हैं, तो उसको भी आज रिपोर्टिंग कर देंगे। तो ये थी अपडेट, आपसे मिलेंगे आज हम ऑफिस से रिटर्निंग में, क्योंकि ऑफिस से रिटर्निंग में आज बहुत सारा काम है, बहुत जगह जाना है, वहाँ से आज ये कोकोपीट और ये भी लेना है, और भी बहुत सारा काम है जो मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। वक्त हो गया ऑफिस से जाने का, आप देख सकते हो 4:46 हो रहा है, अभी ऑफिस से जाना है तो सिस्टम करते हैं शट डाउन, उसके बाद फिर आज थोड़ा मार्केट जाना है, कुछ सामान सारा लेना है इस वजह से। तो चलिए मार्केट से क्या क्या लेंगे वो आपको आगे की वीडियो में दिखेगा, फ़िलहाल के लिए सिस्टम करते हैं ऑफ। सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो हो गया, शटडाउन होने में टाइम हो रहा है, शटडाउन कर दिया बट अभी तक वो प्रोसेसिंग ही ले रहा है, तो चलिए ये बंद हो जाएगा, देखिए ये बंद हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं घर पर, मार्केट में अगर मौका मिलेगा तो मार्केट में बनाएंगे, अदरवाइज़ हम घर पर मिलते हैं आपसे। जू में आ गए हैं और देखिए आज देखिए ये इन लोगों को सब
खोल के ही छोड़ दिया है। दोपहर दूध पिलाने के लिए खोला गया होगा तो इन लोगों को खुला ही छोड़ दिया गया। ये तीनों को देखिए इन देखिए इन तीनों बदमाशों को, और देखिए इसको देखिए, पानी वैसे ही गंदा हुआ पड़ा है। और फिर इसमें इधर घुस के पता नहीं क्या क्या किया, देख सकते हैं पूरे पाउंड को गंदा कर दिया इसने फिर से। चलिए वैसे भी इसको साफ़ करना ही था, लॉन्ग वीकेंड है, इसको तो साफ़ कर लेंगे। पहले फ़िलहाल चलते हैं सबको खाना देने के लिए, खाना देते हैं, इसको भी उस साइड करते हैं, उसके बाद फिर मैक्स का देखते हैं मैक्स का क्या स्थिति है। हालो मैक्स को आप देख सकते हैं कहाँ बैठा है चुपचाप। चलिए इसका भी दवा आज लाए हैं, आज इसको भी दवा देना है। चलिए पहले खाना पीना देते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए जैसे ही नमाज़ पढ़ के आए तो ये देखिए इन लोग फिर से निकल गए हैं, एक अंदर घुसा हुआ है, निकले कहाँ से वो देखिए। ये रोज़ का रोज़ इन लोगों एक ड्रामा बना लिया है, रोज़ का रोज़ इसको गिरा देता है और निकल जाता है और घुस भी जाता है इधर से ही है, ऐसा नहीं है कि इसको घुसाना पड़ता। अभी बोलेंगे सब एक दो तीन हो जाएगा अंदर। चलिए इन लोगों को पहले अंदर डालते हैं। ये देखिए इनका नाम है शहज़ादा, बादशाह अंदर बैठे हुए हैं, ये है जग्गू, अय्यम अंदर है, और ये बेचारा इतना बड़ा हो गया कि निकल ही नहीं पाता। कल इन लोगों को निकालेंगे। ये देखिए देख सकते हैं इनकी मासूमियत, ये मासूम सिर्फ दिखाने के लिए अभी है नहीं मासूम। चलिए तो पहले इन लोगों को करते हैं अंदर, उसके बाद सबको खाना पीना देंगे। बकरी वहाँ चिल्ला रही है अपने बच्चे के लिए तो उसको भी दूध पिलाना है, तो पहले इन लोगों को अंदर करते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए इन लोगों ने खाना सबको खाना दे दिया है, सब आराम से खाना खा रहे हैं। बच्चे लोग भी अभी खुले हुए हैं, बच्चे लोग को अभी बंद नहीं किया। आज क्या करना है, आज फिश का कल साफ़ करना है, तो इसके लिए इसका पानी निकलना होगा। तो ये है इसका ड्रेनेज, इसको खोल दिए हैं, अब ये पानी निकलेगा। अभी इससे छोड़ दे रहे हैं खोल के, छत पे जाएंगे अभी इसको खोलने के बाद, देखते हैं कितना पानी निकल जाएगा, फिर सुबह को पूरा पानी इसका निकाल देंगे। जब तक के लिए बच्चे लोग को देखिए, बच्चे लोग घूम रहे हैं, तो अभी इन लोगों को इसी तरीके से छोड़ देते हैं, जाते हैं छत पर, छत पर का अपडेट देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। वीडियो में बने रहें, आज भी एक इस्लामिक बात है, जिस तरीके से चल रहा उसी तरीके से चलते रहेगा। नमाज का ये स्टार्ट किया है तो अभी पूरी तरीके से नमाज में क्या क्या पढ़ते हैं पूरी तरीके से आपको नमाज के, आज नमाज के फ़राइज़ थे आज के वीडियो में, कल के वीडियो में नमाज के फ़राइज़ मैंने बताई थी, आज अरकान नमाज कितनी है वो आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए पहले चलते हैं छत पर, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बस देखिए ये कैसे बाहर आ गई है अपने रूम से, तो पहले इसको लेके चलते हैं रूम में। आवाज़ लग रहा था मुझे तो मैं जल्दी से भाग के छत पे आया। ये देखिए ये बाहर आ गई है, सबसे पहले इसको करना है बंद। ये देखिए आज करना क्या है, कल तो आप लोगों को सुबह में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कल रात में ये मिट्टी मैंने निकाल लिया था सारे गमले से, उसके बाद फिर आज गया था खाद लाने के लिए। खाद लाने इसको देखिए, इसको चाहिए दुलार, जब तक इसको ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तब तक ये शांत नहीं रहेगी। तो खाद लाने गया था बट इतना ज़्यादा जाम था कि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया खाद लाना, तो आज नहीं हो पाया तो खाद कल लाएंगे। तो आज तक के लिए ये इस तरीके से ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, फ़िलहाल चलते हैं रूम में, इसके बच्चे सबको खाना देते हैं,
सॉरी इसको खाना देते हैं, इसको बंद करते हैं, उसके बाद फिर आपको इस्लामिक बातें जो है वो बताते हैं। चलिए तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इसको करते हैं बंद। ये एक अकेली पूरे रूम को आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने तबाह कर दिया है, पूरे रूम को देख सकते हैं आप। इसको ये पता नहीं इसको क्या चाहिए, क्यों हल्ला कर रही है, समझ ही में नहीं आ रहा। जबकि इसका देख सकते हैं खाना भी रखा हुआ, पानी भी रखा हुआ है, बच्चे लोग इसके कहाँ हैं वो भी देख लें हम। हटो, ये देखिए बच्चे सब भी इसके ठीक हैं, सब बच्चे एक नंबर हैं। अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआ से सारे बच्चे फर्स्ट क्लास हैं, सो रहे हैं सब के सब। तो चलिए अब जान लेते हैं इस्लामिक बातें, उसके बाद वीडियो को करेंगे हम लोग एंड। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। यहाँ आप देख सकते हैं सूजी अपने कैसे बच्चे लोग को प्यार कर रही है। तो अगर आप लोगों को ये प्यार और देखना है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरीके के वीडियो आप लोगों को और बना के दे सकूं और मेहनत कर सकूं अपने चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। शब्बा खैर, गुड नाइट।